चल गो स्टार्ट चलने रुको हाथ जाम में सबसे आगे भूपेन लोधी तेज चलने दे भैया गाड़ी बस पेस बना ले देखो 1600 मीटर दौड़ते वक्त विशेषकर ध्यान रखें कि पहला राउंड आप इतने स्पीड में दौड़े कि आप 4 राउंड कंप्लीट कर पाए, क्योंकि 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद ही आपको इंडियन आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई माना जाएगा। 1 राउंड बहुत ज्यादा तेज दौड़ लेने से आपको इंडियन आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, इसलिए विशेषकर ध्यान रखना है कि 4 राउंड पूरा दौड़ना है और 4 राउंड में पहले राउंड की जो स्पीड आपको रखना है 1:20 तक की आप स्पीड रखें। अगर आप 1:20 तक की स्पीड रखेंगे तो आप निश्चित ही पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा 400 मीटर कंप्लीट, 1600 मीटर कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपके पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रुकने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो पहला राउंड, ये बच्चों का पहला राउंड कंप्लीट होने वाला है। 1:02 हुआ है अभी, 1:04, 1:05, 1:08 और बहुत सही उमेश, और आज जो कंपटीशन है नए घोड़ों का, उमेश और भूपेन दोनों बड़े ही तगड़े धावक है, बेहतरीन धावक है। अब देखो बात बताता हूं मैं आपको, यहां पर दूसरा राउंड जब आपका स्टार्ट होगा तो दूसरा राउंड में क्या करना है आपको, आपको आगे आगे वाले बच्चे को देख लेना है कि वो किस स्पीड में दौड़ रहा है, बस उसकी स्पीड पकड़ के चले। देखो इंडियन आर्मी में आपको दो चीज होती है, एक तो मिलता है 60 नंबर, एक मिलता है 48 नंबर। 60 नंबर लाने के लिए आपको स्टार्ट वाले 4-5 बच्चों में बने रहना है, बस ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप बिल्कुल इतना तेज दौड़े, इतना तेज दौड़े, भले ही 100 मीटर 200 मीटर का गैप बना देंगे तो भी आपको कितना नंबर मिलना है, 60 नंबर मिलना है। तो आपको पहले नंबर पर आने के लिए स्टार्ट के दोनों तीनों बच्चों को पकड़ के रखना है, उनके साथ चलना है। ये दूसरा राउंड कंप्लीट होने वाला है, तीसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है, बहुत सही चल रहा है, दोनों पकड़ के चलो एक दूसरे को। और लास्ट में ये 1600 मीटर जो है वो माइंड का बड़ा खेल है, दिमागी रूप से आप तैयार रहेंगे तो ही आप 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगली सूचना, जो बच्चा डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करना चाहता है, अगर मैं बात करूं फोर डिफेंस एकेडमी की, तो हम आपको यहां पर तैयार करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एपकेट के फिजिकल रिटर्न और एसएसबी इंटरव्यू के लिए। फोर डिफेंस एकेडमी का खुद का ग्राउंड है जो कि 425 मीटर का एक चक्रा बना हुआ है। अगर आप यहाँ के ग्राउंड पर टाइमिंग अगर 5 मिनट भी लेकर आते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर हमसे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है 9826049151, एक और हमारे नंबर है 9691007672। हमारी सिर्फ दो ही शाखा है, एक तो इंदौर में है, एक उज्जैन में है। उज्जैन के हमारे नंबर है 9756662077। अगर आप उज्जैन के नियर बाई हैं, उज्जैन में रहते हैं या उज्जैन के आसपास रहते हैं तो उज्जैन में फोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीसरा राउंड के बाद ये लगभग लास्ट राउंड इन बच्चों का रहेगा। और फिनिश थोड़ा आगे रखना, ध्यान रखना, गया आगे आगे इस झंडे पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 425 मीटर का ग्राउंड है और ये लास्ट फिनिशिंग में इन बच्चों को कहां खत्म करना है वो बताता हूं। दोनों तगड़े चल रहे हैं, बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, एक राउंड की लीड दे चुके हैं, तो बहुत सही चल रहा है इनका अभी। चलो बड़ा बड़ा, अब ये यहाँ पर माइंड गेम स्टार्ट होता है। अब जिसमें पावर है, जिसमें ताकत है, वो अपनी लीड बनाए, जल्दी बनाए, बढ़ाओ 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 स्पीड बढ़ाओ। अभी मात्र 3:47 हो रहा है। जो भाई बंधु को ऐसा लगता है कि ग्राउंड छोटा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और हमारे ग्राउंड पर, इस ग्राउंड पर टाइमिंग देके बताए और हमारे बच्चों को हरा के बताए तो हम जो बोलोगे वो मान लेंगे। ये भूपेन ने स्पीड बढ़ाई, यहाँ पर उमेश को टक्कर देने के लिए भूपेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे और एंड मोमेंट पे चल रहा है, एकदम आगे चल रहे थे। बहुत सही, बहुत तगड़ी फिनिश है भाई, बहुत तगड़ी। देखो 4:17 हो चुका है, 4:18, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:23, 4:24, 4:25 से ये फिनिश, ये यहाँ पर फिनिश रहेगा। यहाँ पर फिनिश इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1600 मीटर कंप्लीट होता है, हमने आपको कितनी बार बताया है। 4:35 गोंडा का, 4:43, 4:47, 4:48, 4:49, 4:51, 4:53, 4:54, 4:55, 56,
57, 59, 5 मिनट, बहुत सही, 5 मिनट 2 सेकंड, 5, 5, 5, 6, 5, 9, 5, 10, 5, 12, 5, 17, 5, 18, 5, 19, 5, 21, 5, 22, 5, 23, 5, 28, 5, 29, 5, 30, 5, 31, 5, 32, चलो 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 चलो, 5, 28, 5, 30, 5, 33, जल्दी करो, 5, 40 के बाद फेल माना जाता है इंडियन आर्मी में। तो लगभग लगभग 2, 3, 4, 5 बच्चे जो दौड़ रहे हैं अभी भी हार नहीं मान रहे, उनको लास्ट तक टाइम बताइए। 5, 50, 5, 53, कहा है भूपेन, भूपेन कहा है भूपेन, 5, 6 मिनट, भूपेन कहा है भूपेन, भूपेन और उपेश इधर आओ, कितना टाइम आया भूपेन, 4:20 या 15, क्या दिमाग में क्या चल रहा था जब उमेश साथ साथ दौड़ रहा था, तो पकड़ के चलना था। लास्ट में गैप कैसा मेंटेन किया सर, लास्ट में एनर्जी बची थी अगर यही एनर्जी, मतलब इतना एनर्जी बचा था यार अंदर के 100 मीटर और दौड़ सकता था, तो अगर स्पीड थोड़ी देर पहले ही बढ़ा लेता तो यहाँ पर फिनिश कैसे कर पाता, थोड़ा ध्यान रखें, बस यही कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, तब जाके आप इंडियन आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई होंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए फोर्ट डिफेंस एकेडमी के ग्राउंड पर, यहाँ पर सारी सुविधाएं। बोले भारत माता की जय।